वंदे मातरम, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और नेटवर्क 10 की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आप सभी का बहुत स्वागत है। फिलहाल नेटवर्क 10 की टीम आप पहुंच रही है विजय विहार के वार्ड 26N के अवंतिका मार्केट में। अवंतिका मार्केट में देखिए, आप मार्केट को देख ही रहेंगे किस तरह से चहल पहल और गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर देखा जा रहा है। तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच यहाँ का क्या समीकरण बन रहा है वो यहाँ पर जानेंगे अपने सहयोगी राजकुमार चौधरी जी से। सर, समीकरण क्या देख रहे हैं आप इस वार्ड का? देखो ऋतु, ये जो वार्ड है, इस वार्ड में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है पार्षद पर। विधायक उसी तरीके से एमएलए जो हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। तकरीबन 58,000 के आसपास इस बार नए मतदाता होंगे जो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। पिछली बार जो चुनाव हुए तो तकरीबन 52,000 से 53,000 वोटों पर हुए थे जो पार्षद जो चुना गया। लेकिन अब क्या मुद्दे हैं, किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं बनती हुई नज़र आएंगी, ये यहाँ की जनता है उससे बात। बिल्कुल, और इस जनता से एक बार पूछने की कोशिश करिए कि किस तरह से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि किस तरह के आखिर वो मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है। धन्यवाद ऋतु, थैंक यू। आगे चलते हैं अंकल जी। सबसे पहले आपसे, आप इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र का पॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहा अभी तक? सबसे पहले ठीक रहा पॉलिटिकल सिनेरियो तो, मतलब अभी कांग्रेस नहीं, पहले कांग्रेस थी, फिर बीजेपी, फिर आप, फिर निर्दलीय, अब जो है बीजेपी है फिलहाल, अब भाजपा है। अच्छा, विकास की यदि बात करें, क्योंकि आपने तो सबको देखा है, सबको देखो देखा एक बार 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 क्या जो जैसे भी वो सगुफे हैं जो चुनावों में नजर आते हैं वो इस बार भी दिखेंगे, तो आपको सबसे बढ़िया अभी तक का सिनेमा में, तो अभी तक का अगर लॉकिंग पीरियड में कहें तो किसका राज अच्छा रहा? सबसे बढ़िया रहा निर्दलीय सुरेंद्र सोलंकी। अच्छा, उन्होंने जितने काम कराए यहाँ पर आज तक ना कांग्रेस ने कराया ना बीजेपी ने कराया। उनकी क्या उपलब्धियाँ रहीं? उन्होंने रोड बनवाई, नालियाँ बनवाई, सड़कें ये बनवाई, सीवर डलवाए, बड़े बड़े सीवर जो छोटे थे वो बड़े कराए, आम आदमी को मतलब पूरी सहूलियत दी उन्होंने। फिर भी हरा दिए? अब वो हरा दिए, बाद में आम आदमी पार्टी मिलकर हार गए। तो ये मान लें कि चुनाव में विकास कोई विकास मुद्दा जो है ना होना चाहिए, बल्कि हो नहीं रहा, विकास को कोई नहीं देख रहा और सब अपने जातिवाद में बदल गए, आँखों पर ठेकरी रख ली। काम करने वाले बंदे की वैल्यू है, काम करने वाले आदमी की वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति में अच्छे लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि एक पॉलिटिकल सिस्टम है, वो पॉलिटिकल जो सिस्टम है जब हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, यहाँ अगर दिल्ली की बात करें, नगर निगम की, एमसीडी की बात करें, तो यहाँ जो चुनाव होता है जनता सीधे अपने जनप्रतिनिधि को पार्षद जिसे काउंसलर भी कहते हैं उसको चुनती है। उसने विकास यहाँ कराए, जो पिछली बार का जो बता रहे हैं अंकल जी, अगर इनकी बात का एतबार करें तो विकास कोई मायने नहीं रखता, आंखों पर ठेकरी रख लेते हैं लोग कई बार। जी, क्या स्थिति है? स्थिति बहुत बढ़िया है। किसकी? बीजेपी की। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे स्थानीय पार्षद वो भी बीजेपी से हैं। मैं सिर्फ इस वार्ड की बात करूँगा, मुझे दिल्ली की बात, इसी वार्ड की बात करने आए हैं। इस वार्ड में जो अभी स्थानीय पार्षद मनीष चौधरी जी हैं, उन्होंने बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाई है यहाँ पर, 2 साल से लाइब्रेरी कंटिन्यू चालू है बच्चों के लिए। युवा की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो हर जगह यहाँ पे LED लाइट्स की और हाई मास्ट लाइट की, चाहे वो निगम के पास से फंड अगर ना रहा हो तो CSR फंड ICL की तरफ से भी हाई मास्ट की व्यवस्था की गई है। CSR का भी इस्तेमाल यहाँ हुआ है? हुआ है यहाँ पे बेंचेस में। देखो, CSR जो होता है, CSR फंड को अगर समझाने का प्रयास करें तो जितनी भी कॉरपोरेट कंपनियाँ होती हैं उनका एक बजट होता है, जो उनका पूरा टर्नओवर होता है उसकी एक परसेंटेज तय होती है, उस परसेंटेज का पैसा उन्हें कहीं ना कहीं आम आदमी के उत्थान के लिए खर्च करना होता है, उसी CSR फंड से यहाँ विकास के कार्य होंगे। उसमें बेंचेस, 150 सिलाई मशीन महिलाओं के लिए और हाई मास्ट लाइट, ये व्यवस्था CSR के थ्रू कराया उन्होंने। और निगम में अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, 13,000 करोड़ रुपये जैसे कहते हैं दिल्ली सरकार के पास नहीं दे रही है, तो उसके बाद भी यहाँ पे डिस्पेंसरी, 2 दिन पहले डिस्पेंसरी का उद्घाटन जिसमें परमानेंट वैक्सीनेशन का स्टार्ट कर दिया है। पार्षद के चुनाव को हम बार बार देखते हैं, पार्षद के चुनाव में छोटा चुनाव होता है, कैंडिडेट का चरित्र, कैंडिडेट का करेक्टर, उसकी उपलब्धता, मेरे इस सवाल, इस शब्द पर जरा जोर मैं इसलिए दे रहा हूँ, उपलब्धता, यदि जाकर दरवाज़ा खटखटाएं और उपलब्ध हो जाएं तो उसे उपलब्धता कहते हैं। कई बार लोग जीतने के बाद दिखाई नहीं देते, क्यों भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहा मैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार आपको चुनाव में? चुनाव में MCD में आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी से, और इस वार्ड में क्या पूरी दिल्ली में आ रही। अच्छा, ये तो बताओ, अभी तो कैंडिडेट भी घोषित नहीं हुए, कई 15-15, 20-20 लोगों के मैं होर्डिंग लगे देख रहा हूँ। ये जनता का प्यार है जो ये होर्डिंग लग रहे हैं और काम हो रहा है, और विकास के नाम पे यहाँ स्कूलों का काम किया आम आदमी पार्टी ने,
आपने देखा होगा, अगर शायद नहीं है तो हम यही दिखा देते हैं, जो आम आदमी पार्टी ने काम कराए वही काम दिल्ली सरकार अब एमसीडी में करने जा रही है और एमसीडी पूरी बहुमत से दिल्ली सरकार लेगी। पीछे पीछे अंकल जी, अच्छा अच्छा, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल नहीं पूछूंगा, मैं आपसे अनुभव की बात करूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो जैसे 15 लोग एक पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, एक का होगा टिकट तो इससे गुटबाजी नहीं बढ़ेगी? पक्का बढ़ेगी, बाकी 14 तो इलाज करेंगे। पक्का, ये तो पक्का है ना, बिल्कुल गुटबाजी तो होगी। ये जो होर्डिंग लग रहे हैं ना, एक 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 क्षेत्र में 15-15 लोग जो है, 15-15 कैंडिडेट अगर होंगे तो वो इलाज करेंगे ना भाई साहब, ये कह रहे हैं, गलत तो नहीं कह रहे? नहीं, सही अनुभव अनुभव बिल्कुल, इनकी बात अपनी जगह ठीक है। हमारे यहाँ पे एक आदमी को टिकट मिलेगा और 14 होर्डिंग लगाने वाले एक आदमी के साथ होंगे। ये बड़ी बात भाई, अच्छी बात है, घर को संगठित कर लो। हाँ अंकल, क्या कहोगे बताओ? यही है, सारे के सारे साथ हो जाएंगे और हमारा कैंडिडेट सुरेंद्र सोलंकी है जो यहाँ खड़े हैं, जो 5 साल पिछले बहुत काम करा है इन्होंने। कौन से सोलंकी जी? ये सोलंकी जी। अच्छा सोलंकी जी, एक आपकी डिमांड आई है। हाँ, इनकी वाइफ 5 साल काउंसलर रही है और पूरे वार्ड में। तो फिर आपने हराया क्यों? कौन ये जिताएंगे वाइफ को भाई, तो क्यों हराया आपको? ये तो हारने की वजह क्या रही? मैं बात कर रहा था अंकल से, हारने की वजह एक थी कि एक तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि हमने काम बहुत ज्यादा किए थे जो 50 साल पहले किसी ने नहीं किया और आने वाले 50 साल में भी नहीं कर सकते। और दूसरा क्या था कि 22 कैंडिडेट हो गए थे, तो 22 कैंडिडेट में क्या था, जैसे फैमूल भी था भाई, 1700 वोट ये भी ले गया एक और दे, तो 22 कैंडिडेट कोई 500 कोई 700 और कॉन्फिडेंस में हार गए, मतलब पिटारा खोल दिया है ना। देखो भाई साहब, मैं सौ से ज़्यादा वार्ड घूम के आया, लेकिन मुझे ऐसी अदावत पहली बार मिली कि एक कैंडिडेट जिसने विकास का काम कराया हो और जनता ने हरा दिया हो, और अपनी गलती को मान लेना राजनीति में बहुत मायने रखता है, ओवर कॉन्फिडेंस। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, अगर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हो तो। सोलंकी जी, अच्छा सोलंकी जी एक बात बताओ, इस बार किसी पार्टी से आओगे या निर्दलीय? आम आदमी पार्टी। मैं पीछे आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी, हम निर्दलीय जीते थे यहाँ से। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि निर्दलीय होते हुए हमने इतने काम किए, अभी मनीष चौधरी जी हैं जो ये बता रहे हैं, हमारे यहाँ जेड LA और प्लान हेड और नॉन प्लान हेड इतने फंड होते हैं कि बहुत ज़्यादा, जिसमें कि ये पूरी पब्लिक बता सकती है। अच्छा देखो, बात करेंगे बिल्कुल, एक टेक्निकल चीज़ें हैं, ये जो फंड का जो रोना रोते हैं लोग, नहीं, मैं मतलब आपसे एक समझने का प्रयास ही करूँगा लेमैन की तरह। एक आम आदमी इस कैमरे पर यह समझना चाहता है कि जो फंड होता है आपका, उस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है? मैं बता देता हूँ, इसमें ना फंड ऐसे होता है कि जैसे कि हम निर्दलीय थे, निर्दलीय होते हुए भी हमने इतने काम किए थे जो कि बीजेपी की सरकार थी, लेकिन हमने फिर भी इतने काम किए। कैसे किए कि हमारे पास में LA आया, ZA आया और नॉन प्लान आया। इसको खोलो जरा, LA ZA। ये मैं बता देता हूँ, जो शहरी क्षेत्र होता है उसमें MCD ही काम करती है और MCD के पास में कोई फंड की कोई कमी नहीं होती है। बहुत बढ़िया बात बताई उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा, क्योंकि जब हम सिस्टम में रहते हैं तो सिस्टम को समझते भी हैं और लोग भी हैं। जी क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में क्या लग रहा है, बीजेपी आएगी चुनाव में। क्यों? इसलिए आएगी, निगम पार्षद के आप काम देखिए किस तरह के निगम पार्षद ने काम किए हैं। फर्स्ट काम निगम पार्षद ने जो किया, लाइब्रेरी बनाई है। कौन से निगम पार्षद ने, मतलब इस सीट पर रहकर जो जिस तरह का मैं काम आपको 4 गिनाऊंगा, लाइब्रेरी बनाई है जिसमें गरीब बच्चे आके वहाँ जो ना तुम्हारी पढ़ते हैं, एक जगह बनाई है जो 3 शिफ्टों में बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है जी। वो अब वो मनीष चौधरी का ऑफिस है, अब डिस्पेंसरी की ओपनिंग की है, एक पार्क बनाया है लता मंगेशकर के नाम से, पार्क की ओपनिंग करी है, एक पार्क बनाया है नाम से, अभी तकरीबन हो गया इसमें 1 महीना हो गया, उसकी ओपनिंग करिए, वो जाकर देखिए। एक बारात घर बनाया है विजय विहार के अंदर, बारात घर बनाया DDA से बनाया है, मगर ये करा तो निगम पार्षद नहीं है ना, किसने करा है? तो जो काम है जिसके हैं वो तो काम गिनाए जाएंगे, अगर काम आप करोगे तो आपके भी गिनाए जाएंगे, ऐसा तो हो रही है भाई। मेन चीज है, देखिए ये बहुत अच्छी बात बोली है कि आम आदमी पार्टी ने काम किया। काम क्या किया, यहाँ पे एक दारू का ठेका खोल दिया जो नहीं हुआ करता था, बहुत बढ़िया किया। वो MCD ने बंद करवाया, वो मनीष चौधरी ने बंद करवाया, सुनिए बगल में किया। और एक चीज मैं और एक मिनट और बताता हूँ, दारू का रेट 100 रुपए था, ऐसा है ठेका खुला और बंद हो गया,
ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। जनता, जनता की ताकत, जनता की ताकत, पब्लिक जो है लोकतंत्र में जनता के पास तमाम अधिकार मुकर्रर होते हैं, और जब आदमी ठान लेता है ना, जब जनता ठान लेती है तो इलाज कर ही देती है। भाई साहब एमसीडी के बाद ज़्यादा कुछ तो है नहीं, साफ सफाई है, लेकिन मनीष चौधरी ने दो तीन काम बहुत बढ़िया किए। एक तो लाइब्रेरी, एक ये औषधि, और पीछे वो जो वो पीछे भाई साहब तो दूसरा पार्षद आएगा वो भी वहीं बैठेगा, खुल गया है। अब जनता हम लोगों ने प्रेशर दिया था, लाइब्रेरी खाली किया, आज तक लाइब्रेरी में कार्यालय खुला हुआ था। मैं बोलूंगा सर, एक देखिए 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 पहली अव्वल 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 तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा किसको, देखो 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 यहाँ सारे इतने संवेदनशील, बहुत संवेदनशील, यहाँ बहुत संवेदनशील लोग हैं। दिल्ली में हम लोग देश की राजधानी दिल्ली में खड़े हैं, और यहाँ जो है ना, यहाँ बहुत शिक्षित लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग बहुत पढ़े लिखे। 5 साल में कोई काम नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ झूठ की राजनीति की है इन्होंने। और जो कार्यालय पुस्तकालय की बात करते हैं उसमें काम वालों का पत्ता साफ होने वाला है, इसलिए वो बुला गए हैं, वो झूठा झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। भाई साहब मुझे इंस्ट्रक्शन देने के उधर चलो, देखो अच्छा अच्छा रुको 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 चलते ये यूथ है, यूथ से पूछ लो, हम बता दे यूथ से भाई साहब ने अपना काम बता दे, चलेंगे चलेंगे चलेंगे। अच्छा अंकल आप बताओ, देखो क्या मुद्दे लग रहे हैं चुनाव में, मुद्दे क्या लग रहे हैं? चुनाव का मुद्दा विकास का मुद्दा है हमारे यहाँ, ना नालियाँ साफ होती है यहाँ पे, ना गलियाँ साफ होती है। तो साफ होगी ना, नालियाँ बनी नहीं है, नालियाँ बनाओगे तो साफ होगी ना, नालियाँ बनाना। काम बता दो मुझे, यहाँ की जनता को बेकार कर दिया। आम आदमी पार्टी के कार्यालय में क्या काम नहीं हुआ, एक आदमी बता दे मुझे आज तक, और यहाँ इन्होंने क्या किया आप देखोगे। हमारे विधायक आओ बात करेंगे देखो युवाओं से बात करेंगे। भैया ये बताओ, सुनो मेरा निवेदन, मैं अभी आ रहा हूँ, कैमरा बंद हो जाएगा। तो एक बात बोलना चाहूंगा अभी मेरे को सर, आप मुझे शहद लग रहे हैं और ये सब मधुमक्खियां लग रही है जो आप पे चिपट चुकी हैं। सच्चाई को शांति प्रिय चिपटने वाली बात जो ये बोल रहे हैं, नहीं नहीं सच्चाई को नहीं, 1-to-1 की बात है, 1-to-1 की बात है। जन्म से लेके मृत्यु तक आज तक एमसीडी भ्रष्ट रही है, चाहे किसी का भी राज आया है। आज की डेट में कांग्रेस विजय बिहार के लोग कह रहे हैं हमें मृत्यु दे दो, इतना नरक में जी रहे हैं। आप विजय बिहार की स्थिति देखिए, एक एक गलियां एक एक नालियां टूटी हुई है। बिहार को मेरे बिहार से सारा काम हो रहे हैं। विजय बिहार नरक है, नरक कैसे रोड ऐसे कर रखे हैं कि आए दिन 36 जने गिरते हैं। मुद्दा नजर आ रहा है, कुछ दिख रहा है? ऐसे सब सुविधा है, सब सारी यहाँ पर। आपके यहाँ पार्षद ने काम वाम किए हैं सब? नाली खरंजे सब ठीक है? सब सही है, संतुष्ट हो आप? कहो। मैं नरेंद्र को मधुकर, मैं दिल्ली का रहने वाला वासी हूँ मैं, और मोदी जी का बहुत बड़ा सपोर्ट हूँ। यहाँ पर जब भी कुछ होता है ना यार, जो पता नहीं जो गिरी होती है, जो इलेक्शन में होता है, तब लोगों को याद आता है कि इसमें आज कमी क्या है। एक साल में उनको याद नहीं आता, आज भी देखो कितनी गंदगी यहाँ पर। सफाई वफाई हो रही है भैया? एमसीडी के चुनाव में सफाई वफाई हो रही है?
एम सी डी के चुनाव में सफाई वफाई? हाँ सफाई तो हो रही है, झाड़ू हाँ झाड़ू लगती है। आम पार्टी ये जो गंदगी कर रखी है किसने करी है? ये तो पब्लिक करेगी और कौन करेगा? ये तो तुम्हारे ये गोभी गोभी कटे हुए हैं, वो गोभी वहाँ फेंक रखे हैं, ये तो आम पार्टी करेगी, साफ कर लेना इसे। ठीक है, सेक्टर 2, 3, 4 में जो हाँ, भी काम है वो आम आदमी पार्टी राखी बिल्डान जी बहुत अच्छा कर रही है और रोज ही उनके उद्घाटन हो रहे हैं। और लोगों से बात करेंगे। अदावत है, जागरूक नागरिक है, जागरूक नागरिक है। लेकिन भैया नेताओं की कमी नहीं है यहाँ नेता बहुत है, नेता है यहाँ काम करते। देखो कुछ महिलाएं आगे। अच्छा बहन जी एक बार बताओ, एक कोर्ट ये एमसीडी के जो चुनाव है, एमसीडी के चुनाव उनमें कोई मुद्दा नजर आ रहा है चुनाव में? ये देखो कैमरामैन ये दिखाए, देखो लोग फोटो दिखा रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं। बीजेपी का जो नाम है ये जुमला, इन्होंने आज तक घर के बाहर इतना पानी भरा हुआ है, देखो इतना पानी भाई साहब इनके घर में इतना पानी भरा हुआ है, 5 साल चक्कर काटता रहे बेचारा गरीब, देखो ये खड़ा हुआ है। आज तक किसी ने नहीं सुना, ये जुमला बीजेपी इनका सीवर भर भर के जा रहा है, उसमें डूबे हुए हैं, अब जाके सीवर कुंटल इतनी कीचड़ है भाई साहब, आज तक सफाई वाला नहीं मिला। पहले यहाँ पे पानी की समस्या थी, पहले पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। माननीय विधायक महेंद्र गोयल जी ने पानी की लाइनें बड़ी करवाई है, सीवर लाइन डलवाई है, लोहे के गेट लगवाए हैं, कैमरे लगवाए हैं। लोग जो है लोग अपनी अदावत कर रहे हैं और एक बात तो जरूर माननी पड़ेगी, क्योंकि राजनीति है, चुनाव का दौर है, चुनाव के दौर में अभी कैंडिडेट घोषित नहीं है, जब कैंडिडेट घोषित होंगे तब मताधिकार को, लेकिन जन समर्थन पूरा है, इसमें कोई दोरा नहीं। चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह है और होना भी चाहिए। कैमरा पर्सन अमित के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, अवंतिका, नई दिल्ली।